जय हिंद साथियों, मैं पप्पू कुमार साहब, फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल टारगेट इंडियन आर्मी चैनल पे। तो दोस्तों, रनिंग के पहले हम अपने डर को ख़त्म कैसे करें, ये टॉपिक लेके आ चुका हूँ मैं आप सभी के सामने। तो दोस्तों, रनिंग के टाइम आप एक ग्रुप बनाएं और ग्रुप के साथ अपने पैरों को, अपने शरीर को स्ट्रेच करें। रनिंग के टाइम आप जितना जल्दी पैर को स्ट्रेच करेंगे, उतना जल्दी आपका स्टेप खुलेगा, उतना ही जल्दी आपकी रनिंग सुधरेगी और उतना ही जल्दी आपका स्टेमिना भी बिल्डअप होगा। दोस्तों, अगर आप ग्रुप में साथ दौड़ते हैं, ग्रुप के साथ दौड़ते हैं, ये डर आपका ग्रुप के साथ ही ख़त्म होगा। दोस्तों, आप जब भी ग्रुप के साथ दौड़ेंगे, आपका जो कॉन्फिडेंस होगा वो बिल्ड होगा। होता है कि टाइमिंग आपकी 4 मिनट 50 सेकेंड 5 डाउन आप अपने ग्राउंड पे मारते हो, पर आपकी भर्ती नहीं निकलती है। दोस्तों, फिर कहीं ना कहीं ये आपका डर ही तो है। आप भर्ती में जाते हो, आपका टाइमिंग भले ही टाइमिंग 5-5 से 5-5 आता है, 5 डाउन आता है, पर भर्ती नहीं निकल सकती है। दोस्तों, क्यों? क्योंकि आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड नहीं हो पाता है, आपको डर लगता है। और डर की बीमारी ख़त्म करना है दोस्तों। वो डर की बीमारी कैसे ख़त्म करें? अपने ग्राउंड पे जितने भी बच्चे आते हैं उनके साथ दौड़ने से आपका डर का ख़त्म हो जाएगा। दोस्तों, डर को ख़त्म करने के लिए सबसे पहले हर दिन आप ग्राउंड पे जाते हैं तो दोस्तों के साथ रुकें, वो जब दौड़ते हैं उनके साथ ही दौड़ें, तो आपका कॉन्फिडेंस क्या होगा? बिल्ड होगा। आपका जो डर होगा वो ख़त्म होगा। जितना ज़्यादा आप ग्रुप में दौड़िएगा उतना ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा। और दोस्तों, आप 2-3 राउंड ग्रुप में ही दौड़ें और चौथा चक्कर में आप काटने की कोशिश करें। जैसे अभी हम लोग एक साथ अपने ग्राउंड पे दौड़ रहे हैं और जितने दौड़ लगा रहे हैं वो देखिए एक साथ ही दौड़ रहे हैं, एक स्टेप में दौड़ रहे हैं। दोस्तों, वही होगा अगर जो अच्छा दौड़ता है वो बाद में काट के निकल जाएगा, जो खराब दौड़ता है वो 1-2 चक्कर पीछे हो जाएगा। दोस्तों, निकलने का नहीं सोचना है। दोस्तों, सबसे पहले जो जैसे स्टेप जा रहा है, पहला स्टेप या दूसरा स्टेप, वैसे ही जाना है। दोस्तों, जाते रहना है। देखिए अभी कितना साथ में जा रहा है लोग, अभी किसी के पास डर नहीं है, किसी को डर नहीं है। सब दोस्तों, रनिंग करना है तो डर को अपने कॉन्फिडेंस के साथ मिलाना है, देखना है कि मेरा कॉन्फिडेंस कैसा है। कॉन्फिडेंस हावी होता है कि डर हावी होता है? दोस्तों, अपने आप में कॉन्फिडेंस को हावी होने देना है, डर को नहीं। डर हावी होगा आपकी रनिंग नहीं निकलेगी। भले आप अपने ग्राउंड पे 4 मिनट 50 सेकेंड 4:45 4:40 मारते हो, पर आपके अंदर अगर डर है तो आपका भर्ती नहीं निकल सकता। दोस्तों, इस डर को ख़त्म करना है। दोस्तों, अगर डर ख़त्म, भर्ती अपने हाथ में होगी। ऐसे होता है ना कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। दोस्तों, वैसे ही करना है हमें। आर्मी की नौकरी करनी है तो अपने डर को ख़त्म करना है। दोस्तों, पर अगर अपने ग्राउंड पे जाते हैं, अगर हमारी टाइमिंग 4:50 आती है तो आर्मी वाले ग्राउंड पे भी हमें 4:50 वाली टाइमिंग देनी है। दोस्तों, अगर हम पीछे लग गए तो डरना नहीं है। दोस्तों, क्योंकि 4:50 टाइमिंग आती है आपकी, 4:50 वाले भी उसमें बहुत कम होते हैं। 250 बंदों में 4:50 वाले पूरे नहीं होते हैं। दोस्तों, कम से कम 10 बंदे होते हैं तो 4:50 मारते हैं। दोस्तों, आपकी 4:50 टाइमिंग आ रही है, आप पीछे लग गए, 250 लड़कों में आप पीछे लग गए, तो आपको पैनिक नहीं होना है। दोस्तों, आपको डरना नहीं है क्योंकि आपका 10 सेकंड ही जाएगा ना लड़के सबको आगे पीछे आगे करने में। 10 सेकंड के बाद आपकी यानी टाइमिंग वहाँ पे 100 देनी है, यानी मिला जुला के आप 5 मिनट पहुँचते हैं, तो अब तभी भी आपकी भर्ती निकलेगी। दोस्तों, यही देख के देखिए, वहाँ पे अभी जो रनिंग हो रही है वहाँ पे एक लड़का काट के निकलेगा। देखिए, शायद मैं ही हूँ जो काट के निकलूंगा अभी सबसे आगे। तीसरा चक्कर स्टार्ट हो गया। दोस्तों, उतना का झुंड था, कम से कम 30 बंदों का झुंड था। देखिए अभी कितना आगे निकल रहा हूँ मैं और बाकी सब बंदे पीछे छूट गए हैं। देखिए, मेरे साथ साथ कोई रवि नाम का लड़का है, वो भी जा रहा है। तो ऐसे ही कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। दोस्तों, आप छोड़ दोगे, आप छोड़ बोलते हो कि अपना ग्राउंड है, अपना ग्राउंड पे हम रनिंग कर रहे हैं। दोस्तों, हम सोचते हैं कि हम अपने रनिंग अपने साथियों के साथ रनिंग कर रहे हैं, अपने साथियों के साथ रनिंग कर रहे हैं, तो सोचते हैं कि पहला चक्कर में चलो साथ में जा रहे हैं। देखिए दोस्तों, हम आगे निकल गए, अभी देखिए पीछे से कौन आ रहा है। हाँ, ब्रिजेश नाम का लड़का है, ये रवि नाम का लड़का है, सब जा रहे हैं। दोस्तों, ऐसे करके सब, ये देखिए रुक गया। यही सोच को ख़त्म करना है। दोस्तों, ये लड़का जो रुका हुआ है ये भर्ती के निकाल सकता है? इसके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी है, इसके अंदर डर है। दोस्तों, डर को कैसे ख़त्म करना है कि अपने अंदर आत्मविश्वास जगानी है। दोस्तों, कि हमें आर्मी की रैली निकालनी है। अगर हम यहाँ पे छोड़ देंगे तो क्या वहाँ पे हम भर्ती मान सकते हैं? नहीं, वहाँ पे भी यही होगा कि छोड़ो हम अगले साल देखते हैं। तो दोस्तों, ऐसे नहीं करना। अगले साल देखते देखते आपकी 21 साल कब निकल जाएगी आपको पता भी नहीं चलेगा। दोस्तों, तो ये डर को ख़त्म करने के लिए अपने आप को कॉन्फिडेंस से भरपूर रखना है। दोस्तों के साथ सोचना है कि हमें 4 राउंड ही तो खींचना है ना, 4 राउंड खींच देंगे, हमारा घर परिवार सबसे सक्षम रहेगा। देखिए दोस्तों, ये हमारे साथ दौड़ रहे थे ये दोस्तों, ये अभी अब चौथा चक्कर कंप्लीट करेंगे, तब तक हम लोग पीछे से आ गए हैं। चौथा चक्कर हम लोग का कंप्लीट होने वाला है। दोस्तों,
आप टाइम लगा सकते हैं 14 हम लोग का कंप्लीट देख सकते हैं दोस्तों। तो ऐसे ही आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा दोस्तों, ऐसे ही दौड़ेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा दोस्तों। ऐसे करने करने डरना नहीं है दोस्तों, चाहे वो आर्मी की भर्ती हो चाहे अपना ग्राउंड हो, आपको अपना 100 देना है हमेशा, अपने ग्राउंड का हो या किसी और के ग्राउंड का हो। तो दोस्तों एक बात का और ज़्यादा ख्याल रखना है दोस्तों, हमें रनिंग करने के तुरंत बाद अपना एक्सरसाइज चालू कर देना है दोस्तों। जितना ज़्यादा एक्सरसाइज करेंगे हम, उतनी ज़्यादा हमारी ब्रेथ बनेगी, उतना ही ज़्यादा हमारा स्टेप खुलेगा, उतना ही ज़्यादा हमारा दर्द जो होगा वो कम हो जाएगा। और डर जो है हमें जड़ से ख़त्म करना है, सबसे पहले हमें ग्रुप में रहना पड़ेगा, ग्रुप के साथ दौड़ना पड़ेगा, ग्रुप के साथ मेल जोल करना पड़ेगा दोस्तों। और तीसरी बात हमारे पास ये है कि हमें सप्ताह, एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं दोस्तों, 6 दिन हम अपने ग्राउंड पे अपने दोस्तों के साथ दौड़ेंगे और उनसे बोलेंगे कि हम 7वां दिन है कहीं अलग अपने दूसरे ग्राउंड पे चलते हैं, कहीं भी दूसरे ग्राउंड पे जहाँ दूसरे बच्चे दौड़ते हो दोस्तों, अपना अपना ग्राउंड पे अपना देखें अपना कि डर खत्म होता है कि नहीं होता है, और दूसरे ग्राउंड पे भी जाएं तो अलग अलग बच्चे दिखेंगे, अलग अलग अपना स्टेमिना दिखेगा, अलग अलग चीज़ें दिखेंगी, तो अपना रेस क्या होगा इम्प्रूव होगा दोस्तों, और डर भी क्या होगा ख़त्म हो जाएगा दोस्तों। तो ख़त्म करने के लिए अपना डर हमें ग्रुप में ही रहना होगा, ग्रुप के साथ दौड़ना होगा, ग्रुप के साथ एक्सरसाइज करनी होगी, और हमारा दर्द भी ख़त्म हो जाएगा दोस्तों। जितनी ज़्यादा एक्सरसाइज करेंगे दौड़ के पहले पैर को स्ट्रेच करेंगे तो, और उसके बाद रनिंग करने के बाद एक्सरसाइज करेंगे तो हमारा क्या होगा सर, डर जो होगा वो ख़त्म हो जाएगा। डर ख़त्म करना बहुत ही आसान काम है, लेकिन दोस्तों कोई भी लड़का हो 4.50 मारता हो, 4.20 मारता हो, 4.40 मारता हो, 5.5 मारता हो, डर के कारण उसकी भर्ती नहीं निकलती है दोस्तों। तो डर को ख़त्म करना है दोस्तों, और एक्सरसाइज भरपूर करना है दोस्तों। एक्सरसाइज भरपूर होगा, हमारा स्टेप खुलेगा, और हमारा जो दौड़ का ब्रेथ होगा वो ब्रेथ बनेगा दोस्तों। दोस्तों हमें जो एक्सरसाइज करनी है वो तब आगे करनी है। देखो दोस्तों कब कहो क्योंकि कोई लड़का जो है थोड़ा सा एक्सरसाइज करके हट जा रहा है दोस्तों, और जितना हो सके उतना एक्सरसाइज करें अपने आप से दोस्तों। हम थोड़ा सा एक्सरसाइज दिखा दे रहे हैं लेकिन अपने अनुसार जितना मर्जी हो सके उतना ज़्यादा एक्सरसाइज कीजिए दोस्तों, और गलत सलत नहीं, जो आपको अच्छे से आता है, आप जिसमें ट्रेंड हो वो सारा एक्सरसाइज करें दोस्तों। देखिए बहुत सारा जो स्टेप है ख़राब गिर रहा है, किसी का अच्छा गिर रहा है, किसी का बढ़िया नहीं गिर रहा है दोस्तों। कोई फुल पैंट पहने कर रहा है, कोई हाफ पैंट पहने कर रहा है, कोई कैसे भी कर रहा है दोस्तों, वो वैसे नहीं करना है। आप जय हिंद दोस्तों, जय भारत।